हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ चार आसान एक्सरसाइजेस जो आपके लोअर बेली फैट को रिड्यूस करेगा। इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले आप अपने बॉडी को कर ले अच्छे से वार्म अप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले शुरू करते हैं रिवर्स क्रंचेस से। उसके लिए आपको पोजिशन लेना है, आपके पीठ के बल कम्प्लीटली लेटना है आपके मैट पर। इस तरीके से कम्प्लीटली लेटने के बाद आप अपने हाथों को आपके हिप के नीचे रख सकते हो फॉर सपोर्ट। आपके कमर पर कोई भी कर्व नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हिप के नीचे आप अपने दोनों हाथों को रखें। आपके जो घुटने हैं उसको स्ट्रेट रखें। लंबी सांस लेते हुए दोनों पैरों को इस तरीके से लिफ्ट अप करें और हिप को हल्का सा पुश करें ऊपर की तरफ। इस तरीके से आपको करना है 15 काउंट्स। आप अपने कोर को टाइट रखें। आपका जो पेट है, आपका जो कोर मसल है, उसे आप अंदर की तरफ खींचे। सांस नहीं रोकना है। आपके जो हिप है इस तरीके से लिफ्ट अप करें। जर्क नहीं देना है। आप अपने गर्दन को बिल्कुल भी ना उठाएं, उसे कंप्लीटली आप मैट पर ही रखें। इसका मैं आपको एक इजी वर्जन दिखाती हूँ। इस तरीके से आप अपने दोनों घुटने को बेंड करें, पैरों में हल्का सा आप रखें गैप। इसमें आपको हिप के नीचे आपका हाथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लंबी सांस लेते हुए आपके पैरों में 90 डिग्री रहेगा। नी को आप चेस्ट की तरफ लेके इस तरीके से डाउन वापस अप। ये वेरिएशन भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप जो स्टैंडर्ड रिवर्स क्रंचेस है वो आप कर सकते हो। ये आपके लोअर टमी को ज़्यादा टारगेट करता है। इसे आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करने की कोशिश करें। अगर आपको 15 से ज़्यादा आप कर सकते हो बिना थके, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब करते हैं दूसरा एक्सरसाइज, लेग रेजेस 90 डिग्री तक। ये आपको कैसे करना है, आप सिंगल लेग पहले इस तरीके से लिफ्ट करें। घुटने जो सॉफ्ट रखें, ज़्यादा टाइट करने की कोशिश ना करें। टोस जो है वो आपकी तरफ पॉइंट होने चाहिए। इस तरीके से वापस डाउन एंड डाउन। इस तरीके से आप परफॉर्म करें। ईच लेग 15 काउंट्स कर सकते हो। इसके साथ आपको करना है मूवमेंट के साथ, इसको आपको कर सकते हो इस तरीके से। ब्रीद इन ब्रीद आउट थ्रू आउट द टाइम रखे। बिना पैरों को नीचे लगाए हुए आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है एंड रिलैक्स। आप लेग रेजेस कर सकते हो विथ सपोर्ट। इस तरीके से हिप के नीचे आप अपने हाथ को प्लेस करो और उसके बाद आप इसे परफॉर्म करो। तब आपकी जो कमर को एक सपोर्ट मिलता है और इंजरी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अब करते हैं तीसरा एक्सरसाइज, उसका नाम है सीजर्स। सीजर्स के लिए आप सबसे पहले आपकी जो एल्बो है उसका आप सपोर्ट लेते हुए पीछे की तरफ आप अपने बॉडी को ढकेलें। हाथ का सपोर्ट इस तरीके से रखें। आप चाहो तो कम्प्लीटली पीछे भी लेट सकते हो, बट अगर आपको ये पॉसिबल है आप इसे ज़रूर परफॉर्म करो। इस तरीके से दोनों पैर को आप ले ले 45 डिग्री एंगल तक और उसके बाद आपको करना है इस तरीके से क्रॉस अपने पैरों को, जिसे कहते हैं हम सीजर्स एंड रिलैक्स। आप इसे लेटते हुए भी कर सकते हो। इस तरीके से कम्प्लीटली आप लेट जाएं। आप हिप के नीचे हाथ को रख लें और उसके बाद भी आप इसे इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। आपको जो वेरिएशन अच्छा लगता है आप उसे ट्राई कीजिए। जब आप सीजर्स परफॉर्म कर रहे हो तो ध्यान रहे आप अपने घुटने को इस तरीके से बेंड करते हुए ना करें, ऐसे ना करें, स्ट्रेट रखें, उसके बाद आप परफॉर्म करें।
टमी आप टाइट रखें, कोर टाइट रखें, ब्रीद इन ब्रीद आउट थ्रू आउट द टाइम रखें। अब करते हैं लास्ट एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबर्स। उसके लिए आप हाई प्लैंक पोजिशन ले, इस तरीके से आपका जो कंधा और आपका हाथ एक लाइन में होना चाहिए, पीछे नहीं, एक लाइन पर। ये पोजिशन लेने के बाद आप हील ऊपर रेस करें, नीचे नहीं लेना है। पैरेलल टू द फ्लोर होना चाहिए आपका अपर बॉडी। हिप को इस तरीके से ऊपर रेज ना करें, फ्लैट रखें सरफेस के साथ। उसके बाद आप सिंगल लेग इस तरीके से अंदर लाएं, नी को इस तरीके से चेस्ट तक लाएं, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में। ये आपको थोड़ा सा फास्ट करना है, इस तरीके से आप ईच 15 कर सकते हो, जितना हो सके आप अंदर लाएं और आराम से प्लेस करें। पैरों को इस तरीके से पटके ना और ना ही हिप को रेज करें। इस तरीके से आप फास्ट परफॉर्म कर सकते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहो। थर्टी काउंट्स होने के बाद आप कर सकते हो रिलैक्स। सो गाइस, इन एक्सरसाइजेस के साथ आपको करना है कार्डियो इन्वॉल्व, जैसे कि आप जॉगिंग के लिए जा सकते हो, जंप रोप कर सकते हो, साथ ही साथ आप वेट ट्रेनिंग भी ज़रूर से कर सकते हो। आपको आपके डाइट का रखना है अच्छे से ख्याल, अच्छे फूड का इंटेक करें, न्यूट्रिशन फूड का इंटेक करें, शुगर कम करें, हाइड्रेटेड रहें, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तब तक के लिए स्टे फिट एंड बाला चाओ।